बहुत ही दुख की बात है कि कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी हमारे बीच नहीं रहे। कथक को जो उन्होंने एक आयाम दिया पूरे विश्व में, उन्होंने इसको इसका परचम फहराया और इतने शिष्य तैयार किए। एक खुद आर्टिस्ट होते हुए भी उन्होंने टीचिंग को बहुत महत्व दिया और सैकड़ों उनके स्टूडेंट देश विदेश में उनकी कला को आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे यकीन है। कथक में नए नए प्रयोग करना उन्हीं से सीखा जा सकता है। उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर एक पब्लिक को किस तरह से इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए उसमें, कथक में वो उन्होंने करके दिखाया कि क्रिकेट की बॉल का कैच आ रहा है तो मोर नाच रहे हैं। तो इस तरह की ऐसी ऐसी चीजें जो नेचुरल वे में हम लोग देखते हैं सुनते हैं, उसको उन्होंने शास्त्रीयता में लेके आए और कथक नृत्य को इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि एक आम आदमी भी मंत्रमुग्ध होकर उनको देखते रह जाता था। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे और मैं भाग्यशाली रहा कि एक मुंबई में एक प्रोग्राम था नेहरू सेंटर में, जिसका नाम रखा था त्रिवेणी, जिसमें गायन वादन नृत्य तीन आर्टिस्ट थे। गायन में पंडित जसराज जी, नृत्य में पंडित बिरजू महाराज जी और वादन में मोहन वीणा में मैं था। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी उस समय कि मेरे वादन पर महाराज जी डांस कर रहे हैं। वो मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा अभूतपूर्व क्षण मेरे लिए जिंदगी में वही रहेगा। बहुत बहुत मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ये अपूर्णीय क्षति है, उनके परिवार को मेरी बहुत संवेदना। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी नहीं रहे, ये एक इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ी हानि है देश के लिए, क्योंकि अब उस स्तर के कलाकार रहे ही नहीं। उनके जाने से एक ये सिलसिला जैसे समाप्त सा हो गया। चौमुखे आर्टिस्ट जिसे कहा जाता है, जैसा गाना वैसा ही तबला बजाना, वैसा ही नृत्य, वैसे लोगों को शिक्षा देना, वो अपने साथ बहुत कुछ ले गए। बहुत बड़ी हानि है, इसको इस जगह को कोई भर नहीं पाएगा। कुछ लोग कलाकार होते हैं, कुछ लोग फरिश्ते होते हैं। महाराज जी एक फरिश्ते के रूप में इस धरती पर आए, हम लोगों को स्वर्गिक आनंद दिलाया, क्योंकि स्वर्ग से ही आए होंगे और हम सबको आनंद देके वहीं वापस चले गए। यह अत्यंत दुख की बात है। आज नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी हम सबको छोड़कर चले गए। वो एक ऐसे बादशाह रहे नृत्य के, डांस के, जिनका कोई जोड़ा पूरे पृथ्वी में नहीं है। बहुत नुकसान हुआ पूरे संगीत परिवार का, सारे उनके चाहने वालों के लिए। मेरा बहुत क्लोज रिलेशन रहा उनसे। कई बार उन्होंने मेरे स्वर लय के बारे में तारीफ करके मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसे लोग सेंचुरीज में ही नहीं बल्कि मिलेनियम में पैदा होते हैं, जो लय को शून्य में देख सकते थे। ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, यही प्रार्थना है। और उनकी विधा को, उनकी परंपरा को उनके शिष्य लोग आगे चलाएंगे। पंडित दीपक महाराज उनके पुत्र बहुत गुणी हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी लीगेसी को, उनकी परंपरा को वो आगे बढ़ाए। ओम शांति। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का आज अचानक चले जाना हमारे संगीत जगत का एक स्तंभ का गिर जाना है। ये जगत कोई नहीं ले सकता है। वो एक बेजोड़ नर्तक थे। उनके कथक नृत्य में
उनका आंखों का काम हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गायक भी थे। उनके कई रिकॉर्ड हम लोगों ने बचपन से सुना है, और वो भाव नृत्य जब करते थे वो लगता था कि मन से गाते थे और खुद गा के फिर उसको नृत्य में दिखाते थे। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे जिंदगी का पहला प्रोग्राम जो बॉम्बे में हुआ था वो उनके साथ हुआ था। उन्होंने लखनऊ घराने की चुमरी गाए थे, मैं बनारस घराने की, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है, और इनके नृत्य को हम कभी नहीं, हम मैं ही सिर्फ नहीं, मुझे लगता है कि पूरा विश्व में कोई भूल नहीं सकेगा। और बनारस के साथ उनका काफी ताल्लुकात था। उनके पिताजी पंडित बिंदादी महाराज जी काफी दिन बनारस में रहे, क्योंकि बनारस तो संगीत का तीर्थस्थल है, सभी ने बनारस में रह के कुछ ना कुछ किया है, उन्होंने भी किया है। उनकी बेटी की शादी पंडित साजन मिश्रा जी से हुआ था, इस तरह से वो बनारस से पूरा उनका रिश्ता रहा। और ये शोक खाली बनारस का नहीं है, पूरे विश्व का शोक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो महाराज जी को अपने चरण में स्थान दे और फिर से महाराज जी जन्म ले और ऐसा नृत्य करते रहे। प्रणाम उनको, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, एकाधक डांसर ऋचा जैन। आज का दिन हम सबको बहुत दुख दे गया। पंडित बिरजू महाराज जी, जिनका कहते हैं कि रियल नेम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। ब्रजमोहन का मतलब कृष्ण का एक स्वरूप। तो जिस तरह कृष्ण संपूर्ण थे, महाराज जी भी वैसे ही संपूर्ण थे। ताल लय स्वर का साक्षात्कार पंडित बिरजू महाराज जी। ऐसा लग रहा है कि हमारी इस कथक फैमिली के मुखिया, और ये कह लीजिए कि पितामह, आज हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन ऐसे लोग तो इमॉर्टल होते हैं ना। इस तरह के लेजेंड्स को मृत्यु कभी आ ही नहीं सकती या छू ही नहीं सकती। वो हमेशा के लिए अमर रहते हैं अपनी कला के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, और एक इंस्पिरेशन बनकर जेनरेशंस को इंस्पायर और मोटिवेट करते रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और महाराज जी के तमाम शागिर्दों के लिए, उनके परिवार के लिए आज बहुत ही दुखद भरा दिन है। आज हमने अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। महाराज जी के साथ मेरे परिवार का रिश्ता करीब करीब 50 साल से ऊपर है। मेरे माता पिता की शादी तक उन्होंने करवाई, मेरा और मेरी बहन का नामकरण उन्होंने किया, मुझे नाम महुआ देने वाले हमारे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी हैं। तो इतना घरेलू रिश्ता महाराज जी के साथ रहा है, मेरे पिता का, मेरी माँ का, उनके शागिर्द रहे हैं। और उनके बाद मैंने अपने और गुरुओं के बाद अपने आखिरी के 18 साल महाराज जी के सानिध्य में उनके पास सीखकर मैंने बिताए हैं। शब्दों में बयान करना कि हमें कितना दुख पहुँचा है, कितनी तकलीफ़ पहुँची है महाराज जी के चले जाने से, बहुत मुश्किल है शब्दों में उसको एक्सप्रेस करना। असल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए उनके लिए। बस मैं ये कहूँगी कि जब तक ये घुंघरू मेरे बज रहे हैं, चाहे वो एज अ परफॉर्मर हो, एज अ टीचर हो, वो सब उन्हीं की देन है। और हमेशा मेरे घुंघरू के ज़रिए मैं उन्हीं को अपनी भावना, अपना नृत्य समर्पण करती हूँ। जो कुछ भी दिया है वो सब उन्हीं की कृपा है। मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी को।
नमस्कार।